वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आपका इंग्लिश के इस क्लास के अंदर स्वागत है। पिछली क्लास के अंदर हमने डिटेल से प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब को देखा था और मॉडल एक्सिलरी वर्ब को समझा था। मॉडल एक्सिलरी वर्ब के अंदर हमने वुड के यूज़ को पढ़ा था। वुड के तमाम इस्तेमाल को हमने देखा था, किस किस तरीके से वुड का इस्तेमाल किया जाता है। आज हम मॉडल एक्सिलरी वर्ब के अंदर हम कैन को पढ़ेंगे और कुड को पढ़ेंगे। मॉडल एक्सिलरी वर्ब इंग्लिश ग्रामर के अंदर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें अक्सर लोग इस्तेमाल करते वक्त कंफ्यूज हो जाते हैं। ख़ास तौर से कुड, वुड, शुड इस तरीके के जो अल्फाज हैं इसके अंदर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम दो मॉडल एक्सिलरी वर्ब को पढ़ेंगे जिसमें पहला है कैन और दूसरा है कुड। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को और देखते हैं सबसे पहले कैन के यूज़ को। किसी बात की जब संभावना होती है तो हम कैन का यूज़ करते हैं, यानी किसी बात का इम्कान पॉसिबिलिटी होती है तो हम कैन का यूज़ करते हैं। देखिए, यू कैन ईजली वॉक इन द मून लाइट, आप आसानी से चांद की रोशनी में चल सकते हैं। आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। खालिद कैन हेल्प यू, खालिद आपकी मदद कर सकता है। यानी इसके अंदर एक संभावना होती है किसी काम के होने की, इसीलिए उसमें कैन का प्रयोग किया जाता है। ओके, दूसरे यूज़ की तरफ चलते हैं। जब हमें किसी से कोई इजाज़त लेनी होती है तब हम कैन का यूज़ करते हैं। परमिशन लेनी होती है तो हम कैन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैन आई डू दिस जॉब प्लीज़, क्या मैं इस जॉब को कर सकता हूँ बराए मेहरबानी। यू कैन गो होम नाउ इफ़ यू लाइक, किसी से इजाज़त लेना या किसी को इजाज़त देना, अब आप घर जा सकते हैं। तो देखा आपने किस तरीके से कैन का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, आगे है सैद्धांतिक संभावना। देखिए, थियोरिटिकल पॉसिबिलिटी जो होती है ना, यानी कि ऐसी पॉसिबिलिटी जिसका इनकार नहीं किया जा सकता, जिसको झुठलाया नहीं जा सकता, उसको बताने के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एनी बडी कैन मेक मिस्टेक, कोई भी इंसान गलती कर सकता है। तो ये एक ऐसी संभावना है जो हकीकत है, इसको इनकार नहीं किया जा सकता है। दिस कैन नॉट बी ट्रू, ये सही नहीं होगा। कोई भी ऐसी बात जिसको सब जानते हैं कि गलत है उसके बारे में आप कह सकते हैं दिस कांट बी ट्रू और दिस कैन नॉट बी ट्रू। आगे, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस। अब ये देखिए, ये तो एक ऐसी सच्चाई है जिसका कोई इनकार कर सकता है, ये थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है, एक ऐसी लिखी हुई हकीकत है। ये जब भी कोई टच करेगा इलेक्ट्रिसिटी को तो इट विल बी डेंजरस फॉर हिम। तो वही कहना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस। आगे लिखा हुआ है पेट्स कैन बी ट्रबलसम, जो कुछ मान लीजिए कि कुछ ऐसे पालतू जानवर होते हैं वो आपके लिए क्या बन सकते हैं, मुसीबत बन सकते हैं। तो वही कह रहे हैं कुछ थियोरिटिकल पॉसिबिलिटी जो है को इस बताने के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। आगे देखिए, पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी को बताने के लिए हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। देखिए, पावर जो आपके जिस्म से ताल्लुक़ रखती है, जैसे आई कैन हिट द सिक्स, मैं छक्का मार सकता हूँ, आई कैन लिफ्ट इट, मैं इसको उठा सकता हूँ, ये पावर की एग्जाम्पल्स हैं। ओके, इसके अंदर आप एक चीज़ याद रखेंगे कि एबिलिटी होती है। एक एबिलिटी के एग्जाम्पल को देखेंगे जो जहन से ताल्लुक़ रखती है, जैसे कि मैंने आपको जिस्म का ताल्लुक बताया, जैसे कि आई कैन हिट द सिक्स, आई कैन लिफ्ट 50 kg, तो ये पावर के एग्जाम्पल है। एबिलिटी के एग्जाम्पल दैट आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश में बात कर सकता हूँ, ही कैन स्पीक इंग्लिश, तो मैंने एग्जाम्पल भी यहाँ दिए हैं, यू कैन अंडरस्टैंड ओवर हियर, आप यहाँ समझ सकते हैं कि ही कैन स्पीक इंग्लिश, तो ये किस चीज़ के ताल्लुक से हो सकता है। ही इज़ एबल टू स्पीक इंग्लिश। और एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो कैन होता है, बी एबल, बी कैपेबल ऑफ, नो हाउ टू डू, इसके सेंस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो वही कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि ही इज एबल टू स्पीक, वो इस बात पर कादिर है कि वो बोल सकता है, तो ये उसकी एबिलिटी है। ठीक है, तो पावर का ताल्लुक बॉडी से होता है, ठीक है, जबकि एबिलिटी का ताल्लुक माइंड से होता है। कैपेसिटी का एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि दिस बोतल कैन फिल ओनली हाफ लीटर वाटर, तो उस बोतल की इतनी ही कैपेसिटी है कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हाफ लीटर पानी आ सकता है। एक और एग्जाम्पल कैपेसिटी का समझ सकते हैं आप, वो ये कि दिस हाउस, दिस रूफ कैन ओनली लिफ्ट 50 पीपल, ये छत जो है इसके अंदर सिर्फ 50 लोगों को बर्दाश्त करने की सलाहियत है। तो वही कह रहे हैं, जब किसी की कैपेसिटी, एबिलिटी और पावर का इस्तेमाल करना हो तो हम कैन का यूज़ करते हैं। तो दिस रूफ कैन लिफ्ट ओनली 50 पीपल। यहाँ एग्जाम्पल को देख लेते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल है यहाँ पे, ही कैन स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बाद में बात कर सकता है, ही इज एबल टू स्पीक इंग्लिश। तो मैंने आपको बताया कि कैन का जो अर्थ होता है बी एबल टू, ठीक है, इसी तरीके से कैपेबल ऑफ, इसी तरीके से नो हाउ टू,
वो जानता है कि कैसे इंग्लिश बोली जाती है, वो इस बात पर कादिर है कि इंग्लिश कैसी बोली जाती है, और उसे पता है कि वो योग्य है इंग्लिश बोलने की, ठीक है, ही नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तो उसी सेंस के अंदर हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। आगे चलते हैं, आदत या स्वभाव, हैबिट और नेचर को बताने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। गौर से देखिएगा, ए लायर कैन डिसीव एनीवन, एक झूठा इंसान किसी को भी धोखा दे सकता है। ओके, ए सेंट कैन हार्म नो वन, सेंट कहते हैं जो जो नेक लोग होते हैं उसे, तो वो किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा सकते हैं। ये एक हैबिट है, जाहिर सी बात है। ही कैन नॉट बी पोलाइट, वो नर्म हो ही नहीं सकता। तो किसी की आदत को बताने के लिए आप कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पुलिस कैन हरास इनोसेंट पर्सन, तो जब पुलिस क्या कर सकती है, पुलिस की आदत होती है अक्सर इनोसेंट लोगों को हरास करना, उसको मारना, उसको टीज करना। तो वही कहना चाह रहे हैं, किसी की आदत अगर आपको बतानी है तो आप उसके अंदर कैन और का इस्तेमाल कर सकते हैं, आदत या नेचर कर बताने के लिए। ओके, जैसे कि इफ यू फाइट विद हिम, अगर तुम उससे लड़ते हो तो ही कैन गिव यू अब्यूज, ही कैन अब्यूज यू। ओके, ही कैन अब्यूज यू, वो आपको गाली दे सकता है, तो उसकी आदत है गाली देना। इस तरीके से आप कैन का यूज देख सकते हैं। आगे है परमिशन के लिए हम कैन का यूज करते हैं। परमिशन का मतलब इजाजत, जैसे यू कैन गो, आप जा सकते हैं। यू कैन टेक बुक्स, आप किताब ले सकते हैं फ्रॉम लाइब्रेरी। ओके, इस तरीके से इजाजत लेने के लिए, परमिशन लेने के लिए, कैन आई सिट डाउन, क्या मैं बैठ सकता हूँ। कैन आई हैव सम मोर ब्रेड, क्या मुझे और रोटी मिल सकती है, ठीक है। कैन आई हैव सम मोर ब्रेड, देख रहे हैं एग्जाम्पल, आपको अंदाजा लग गया जाएगा कि परमिशन लेने या देने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए अब यहाँ पे जो परमिशन का जो है उसका मतलब बी अलाउड टू, किसी को किसी की चीज़ की इजाज़त देना, टू बी परमिटेड टू, जैसे यू कैन गो, आप किसी को, जैसे आई परमिट यू दैट यू कैन गो, ठीक है। यू आर परमिटेड टू गो, यू आर परमिटेड टू गो के माने में, यू आर अलाउड टू गो के माने में, ठीक है। यू आर अलाउड टू गो, हम यहाँ देख लीजिए, यहाँ लिखा है यू आर अलाउड टू गो होम एंड यू आर परमिटेड टू गो होम। इस तरीके से हमने टोटल कैन के यूज़ को समझा, किस किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, परमिशन के लिए, हैबिट और नेचर को बताने के लिए, पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी को बताने के लिए। पावर के एग्जांपल्स जैसे आई कैन हिट द सिक्स, आई कैन लिफ्ट 50 kg। एबिलिटी को समझाने के लिए जैसे आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई कैन स्पीक इंग्लिश। कैपेसिटी को समझाने के लिए जैसे कि दिस बोतल कैन फिल ओनली 1/2 liter वाटर। ओके, इसी तरीके से थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी को बताने के लिए, जिसकी सच्चाई का इनकार नहीं किया जा सकता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस फॉर एनीवन, किसी के लिए भी खतरा बन सकती है वो, ठीक है। इजाज़त लेने के लिए जैसे कैन आई डू दिस जॉब प्लीज़, इस तरीके से आप जो है किसी संभावना को व्यक्त करने के लिए कैन का यूज़ कर सकते हैं। ओके, जैसे यू कैन ईजली वॉक इन मूनलाइट, आप चाँद की रोशनी में आराम से चल सकते हैं। इस तरीके से हमने कैन के पूरे यूज़ को देखा। अब हम देखेंगे इसके बाद कुड के यूज़ को, तो चलिए देखते हैं कुड के यूज़ को। अब कह रहे हैं कि पास एबिलिटी बताने के लिए, यानी कि भूतकाल के अंदर जो एबिलिटी हो, जो क्षमता होती है, उसको बताने के लिए हम कुड का यूज़ करते हैं। देख लेते हैं, आई कुड पास द एग्जामिनेशन, ठीक है, मतलब मेरे अंदर इतनी क्षमता थी कि मैं एग्जामिनेशन पास कर सकता था, ठीक है। यू शी कुड ड्राइव ए कार एट द एज ऑफ 6, वो 6 साल की उम्र के अंदर वो गाड़ी ड्राइव कर सकती थी। ओके, ये पास्ट एबिलिटी है। व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था, आई कुड स्विम फॉर आवर्स, मैं घंटों तैर सकता था। तो पास्ट के अंदर अपनी एबिलिटी को बताने के लिए हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान से देखिएगा एग्जांपल्स और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन के लिए भी हम, देखिए पोलाइट बिल्कुल विनम्र रिक्वेस्ट के लिए और परमिशन के लिए हम कुड का यूज करते हैं। परमिशन के लिए कैन का भी इस्तेमाल कर जाता है, लेकिन यहाँ फर्क ये है कि इफ यू आर टू मच पोलाइट देन यू कैन यूज कुड। फॉर एग्जाम्पल, कुड आई स्मोक हियर, क्या मैं यहाँ सिगरेट पी सकता हूँ, ठीक है। कुड आई गो होम नाउ, क्या मैं घर जा सकता हूँ। कैन आई बोरो योर बुक फॉर अ डे, क्या मैं एक दिन के लिए आपकी किताब बराए मेहरबानी ले सकता हूँ। तो विनम्र अनुरोध यानी कि बिल्कुल पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आप कुड का यूज करेंगे। अब एक याद रखिए, कुड इज मोर फॉर्मल देन कैन, कैन से बेहतर है कि आप कुड को इस्तेमाल करें ऑफिस के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, प्रोफेसर के अंदर, और इस तरीके से कहीं भी अगर आप इंटरव्यू देने जाएं तो ट्राई टू यूज कुड। अगर आपको कोई चीज़ लेनी है तो आप इस ऐसे वक्त के अंदर डोंट से दैट कैन आई टेक दिस पेन, से कुड आई टेक दिस पेन। सो एट दैट टाइम द इंटरव्यूअर विल अंडरस्टैंड दैट यू हैव अ पोलाइट रिक्वेस्ट,
ठीक है, तो यही कह रहे हैं कि पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, दिस इज मोर फॉर्मल। ओके, इफ वी हैड मनी, अगर हमारे पास पैसा होता वी कुड बाय अ कार, हम क्या करते एक गाड़ी खरीद ली होती। आगे देखिए, अनरियल कंडीशन के लिए हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। अनरियल कंडीशन, अनरियल कंडीशन कैसी होती देखिए, अब यहाँ देखिए, यू कुड कैच द ट्रेन इफ यू वुड, अगर तुम चाहते तो ट्रेन पकड़ सकते। तो देखिए एक अनरियल कंडीशन, यानी कि अब ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है, अब ये चीज़ काम करने का वक्त चला गया। तो कोई भी कंडीशन जो ऐसी हालत जो पॉसिबल नहीं है उसे हम कहते हैं अनरियल कंडीशन, गैर हकीकी हालत। तो यू कुड कैच द ट्रेन, आप गाड़ी पकड़ सकते थे, ट्रेन पकड़ सकते थे अगर आप चाहते, लेकिन आपने चाहे नहीं। ही कुड हेल्प, वो आपकी मदद कर सकता था, इफ ही वुड, अगर वो चाहता। ओके, तो ऐसा ना, उसने चाहा भी नहीं और उसने मदद भी नहीं हुई आपकी। इस तरीके से कोई चीज़ जब पास्ट में अनरियल कंडीशन को बताना हो तो हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। ओके, जैसे कि कभी कभी आपके फ्रेंड्स लोग कहते हैं कि मैं आ सकता था लेकिन मैं नहीं आ पाया, जैसे ही कुड कम इफ ही वुड, अगर मैं चाहता तो मैं आ सकता था, अगर मैं ऐसा करता तो मैं ऐसा हो जाता। तो एट दैट टाइम यू कैन यूज कुड। आगे चलते हैं, आगे लिखा है पॉसिबिलिटी, प्रेजेंट के अंदर और पास्ट के अंदर पॉसिबिलिटी को बताने के लिए, इम्कान को बताने के लिए, संभावना को बताने के लिए हम कुड का यूज करते हैं। देखिए, इट कुड रेन टूडे, आज बारिश हो सकती है, ये प्रेजेंट के अंदर है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं इट कुड रेन यस्टरडे, कल बारिश हो सकती थी इसी वजह से मैं नहीं आया। तो याद रखिएगा, थोड़ा कन्फ्यूजिंग आपको लगेगा बट यू हैव टू यूज अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट को और संदर्भ को सामने रख के अगर आप यूज करेंगे तो सारा कन्फ्यूजन अवॉइड हो जाएगा। इसी कुड का इस्तेमाल आप, कुड का एक इस्तेमाल आप सका या पाया के सेंस के अंदर कर सकते हैं। देखिए, पास्ट एबिलिटी जो होती है ना उसके अंदर आप सका या पाया वाले सेंस के अंदर आप कुड का यूज कर सकते हैं। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, ही वर्क हार्ड, उसने कड़ी मेहनत की, इसी वजह से ही कुड गो टू द यूएसए, इसी वजह से वो अमेरिका जा सका। देखिए, जा सका, ये काम पॉसिबल हुआ कब, पास्ट के अंदर। तो जब पास्ट के अंदर कोई काम पॉसिबल हो जाता है तब आप उसके अंदर कुड का यूज करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ही कुड नॉट क्रैक द एग्जाम, ये नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए जो है नॉट का इस्तेमाल किया गया है, मतलब वो एग्जाम नहीं निकाल सका, एग्जाम नहीं क्रैक कर सका। ठीक है, आई कुड नॉट कॉल यू, मैं आपको कॉल नहीं कर सका। ठीक है, तो इस तरीके से आप सका या पाया के सेंस के अंदर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, आई कुड नॉट कॉल यू, मैं आपको कॉल नहीं कर पाया, सॉरी आई कुड नॉट कॉल यू, मैं आपको कॉल नहीं कर पाया। तो कोई काम कर पाया या कर सका उसके सेंस के अंदर आप पास्ट के अंदर कोई चीज़ हो सकी या नहीं हो सकी उसके सेंस के अंदर आप कुड का यूज करेंगे। आगे जो लास्ट है हमारा वो इमेजिनरी सेंटेंस है। देखिए, इमेजिनरी सेंटेंस के अंदर आप देखेंगे जो काश वाला सेंस होता है ना, कर पाता, काश मैं ऐसा कर पाता, काश ये चीज हो पाती, उसके अंदर आप जो है कुड का यूज देखेंगे। जैसे आई विश आई कुड मीट यू वंस, काश के मैं आपसे एक बार मिल पाता। इस तरीके से आई विश आई कुड हेल्प यू एवर, काश के मैं आपकी मदद कर पाता कभी। इसी तरीके से आई विश आई कुड गो देयर, काश के मैं वहां जा पाता। तो कोई काम करता काश लगा के या कोई काम हो पाता उसके सेंस के अंदर आप कुड का यूज देखेंगे। तो इस तरीके